बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइड टू एम्प्लॉयज़ एंड वर्क प्लेस मोनिटरिंग। ये सेक्शन 2 है और क्वेश्चन नंबर 15-27 है। हम लोगों ने क्या करना है, इसका टाइटल हमें टाइटल को पढ़ लें। व्हाट इज़ वर्क प्लेस मोनिटरिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउंस। एम्प्लॉयर्स हैव द राइट टू मोनिटर योर एक्टिविटीज इन मेनी सिचुएशंस एट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, योर एक्टिविटीज मे बी रिकॉर्डेड ऑन CCTV कैमराज एंड योर लेटर्स मे बी ओपन्ड एंड रीड। इन एडिशन, योर एम्प्लॉयर मे यूज एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, लेटर्स बी ओपन्ड एंड रीड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू चेक द ईमेल्स यू रिसीव एट वर्क। फोन कॉल्स मे बी लिसन टू, रिकॉर्ड एंड लॉग ऑफ वेबसाइट यू यूज मे बी चेक्ड। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। आ जाए जरा आप क्वेश्चंस पे, समरी पे आ जाएं। नो मोर देन टू वर्ड्स, हमेशा क्या करें आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। नो मोर देन टू वर्ड, दो लफ्जों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना है। 15-21 ये हमारा क्वेश्चन है। गाइड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वर्क प्लेस मोनिटरिंग, योर एम्प्लॉयर मे मोनिटर यू एट वर्क बाई चेकिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर एक्टिविटीज, योर लेटर्स एंड डैश ये एंड योर लेटर्स मे बी ओपन एंड रीड। इन एडिशन, योर एम्प्लॉयर मे यूज़ एन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू चेक द ईमेल्स। हमारा आंसर क्या है, ईमेल्स। क्या चेक करते हैं वो, हमारी एक्टिविटीज, योर एक्टिविटीज, ईमेल्स और लेटर्स, योर फोन कॉल्स एंड विच वेबसाइट यू हैव विजिटेड। रूल्स फॉर मोनिटरिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट डाटा प्रिडिक्शन प्रोटेक्शन लॉ स्टेट्स दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट कैरी आउट अ प्रोसीजर दैट इज़ नोन एज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मोनिटरिंग। ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ मोनिटरिंग आर कवर्ड बाई डाटा प्रोटेक्शन लॉ। डाटा प्रोटेक्शन लॉ डजंट प्रिवेंट मोनिटरिंग इन अ वर्क प्लेस, हाउएवर इट डज सेट डाउन रूल्स अबाउट द सर्कमस्टेंस एंड द वे इन विच मोनिटरिंग शुड बी कैरीड आउट। Before deciding whether to introduce monitoring, your employer should identify any negative effects the monitoring may have on staff. This is called impact assessment. इसको क्या कहते हैं, known as impact assessment. Next page zara. In general, monitoring is legal if it relates to the business you are using dash intended for work. आप क्या इस्तेमाल करें, द वर्कर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, यू आर यूजिंग डैश इंटेंडेड फॉर वर्क, जो कि काम के लिए बना है। योर एम्प्लॉयर कैन लीगली मोनिटर योर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इफ द मोनिटरिंग रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मोनिटरिंग रिलेट्स टू द बिजनेस एंड द इक्विपमेंट बींग मोनिटर्ड इज प्रोवाइडेड पार्शली और होली फॉर वर्क। फॉर वर्क काम के लिए क्या बना, इक्विपमेंट। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, इंटेंडेड फॉर वर्क। मॉनिटरिंग में बी यूज्ड टू इवेल्युएट द डैश ऑफ योर वर्क, टू इवेल्युएट द डैश ऑफ योर वर्क, टू इवेल्युएट द डैश ऑफ योर वर्क। दीज मे बी टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द बिजनेस आर टू चेक स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग टू फोन कॉल्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। यहाँ पे आ गया टू योर ऑफ योर वर्क, हमारा आंसर क्या है, क्वालिटी। टू स्टॉप और फाइंड आउट अबाउट डैश, टू स्टॉप और फाइंड आउट अबाउट आल्सो अलाउड इफ इट्स पर्पज इज टू प्रिवेंट आर टू डिटेक्ट क्राइम, प्रिवेंट आर डिटेक्ट क्राइम।
टू स्टॉप द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश ऑफ एक्टिव सिस्टम. अब देखते हैं टू स्टॉप प्रिवेंट कंप्यूटर वायरसेस प्रिवेंशन कवर जहाँ पे एंटरिंग द सिस्टम अफेक्टिंग द सिस्टम वायरसेस टू चेक कॉल्स टू डैश दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. टू चेक कॉल्स टू डैश दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. इफ शी इज नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दिस कॉल्स your employee is also allowed to listen to any calls you make to confidential helplines but in this case he or she is not allowed to record these calls. So hamara answer kya hai helplines. ye tha hamara question number 15 to 21. ab aaj zara question next question number 22 to 27 international experience canada application process. ye hamara introduction hai. If you want to travel and work temporarily in Canada as a part of International Experience Canada, you first step is become a candidate in one or more IC polls. There are three categories of poll: international, co-op, internship, working holiday, and your professional. International Experience Canada application process. अच्छा इसके बाद keywords को underline करें जरा. कीवर्ड्स को हमने जल्दी अंडरलाइन कर लिया. हमने नहीं पढ़ा कौन सा कीवर्ड आ रहा है, बस जो आपको कीवर्ड्स नज़र आए आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाए. नेक्स्ट पे आ रही जरा क्वेश्चन नंबर 22 to 27. वन वर्ड आर अ नंबर ओनली फॉर द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर. वन वर्ड आर अ नंबर. अप्लाइंग टू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा फिल इन द ऑनलाइन डैश टू गेट अ पर्सनल रेफरेंस कोड. Fill in the online. सबसे पहले आपने क्या फिल करना है. फिल इन द ऑनलाइन टू गेट अ पर्सनल रेफरेंस कोड टू गेट इन टू आई सी पोल्स. सबसे पहले क्या है, फर्स्ट यूज आवर क्वेश्चन एयर. हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, टू गेट फिल इन द ऑनलाइन क्वेश्चन एयर. Create your dash and provide the necessary for the profile in your application. Create your. अब हम अपना क्या बनाते हैं, हम अपनी CV वगैरह बनाते हैं, या फिर ज़्यादा हम prediction ही करते हैं. Create your. अब हम अपना क्या बनाना है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग अपना पर्सनल क्या बनाते हैं, या क्रिएट योर ऑनलाइन अकाउंट. ये आ गया हमारा आंसर, क्रिएट योर ऑनलाइन अकाउंट. वहाँ पे लिखा मैंने क्रिएट, तो यहाँ पे क्या है अकाउंट. नेक्स्ट पे आंसर, इफ सेंट एन इनविटेशन यू मस्ट एक्सेप्ट दिस इनविटेशन विदन. विदन मतलब विदन 2 days, 3 days, 15 days. यू विल हैव 10 days टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट दिस आर नॉट. Within 10 days, हमारा आंसर क्या है, 10 days. यहाँ पर मैंने अपना प्रिडिक्शन इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ विदन उन्होंने कहा था, इसका मतलब विदन 4 hours, विदन 10 days, विदन अ मंथ, विदन अ ईयर. यहाँ पर विदन आया तो सिर्फ विदन 10 days. विदन आ जब आएगा तो अ मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा. यू देन हैव अ लिमिटेड टाइम टू डैश द अप्लीकेशन. लिमिटेड टाइम टू डैश द एप्लीकेशन. यू हैव लिमिटेड टाइम टू डैश द एप्लीकेशन. इफ यू एक्सेप्ट क्लिक द स्टार्ट एप्लीकेशन बटन. यू हैव 20 days टू कम्प्लीट योर एप्लीकेशन. टू कम्प्लीट, यहाँ पे क्या है, टू आ गया, तो आप क्या करेंगे, टू कम्प्लीट. योर डैश इज रिक्वायर्ड टू सेंड यू एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर. योर डैश इज़ रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे आपकी क्या चीज़ चाहिए, योर डैश इज़ रिक्वायर्ड.
your dash is required to send you an offer of employment number. ये आ गया, यहाँ हमने फिनिश किया कंप्लीट, इसके आगे जाना है हम लोगों ने। यहाँ पे आ गया, योर एम्प्लॉयर इन कैनेडा मस्ट पे द कंप्लायंस फी एंड फॉर्म यू ऑफ योर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर। क्या हमारा एम्प्लॉयर, इसके साथ योर आई, इसलिए हम लोगों ने ये लगा दिया। मेक द पेमेंट फॉर अ पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन, यू मे रिसीव अ डैश लेटर इफ़ यू चेंज योर माइंड। यू मे रिसीव अ डैश लेटर, बाद में आप क्या रिसीव करेंगे, लेटर। इफ़ यू डू नॉट हैव दिस यू शुड अपलोड प्रूफ दैट यू हैव अप्लाइड फॉर देम। यू शुड देन पे योर पार्टिसिपेंट्स फी। फॉर पार्टिसिपेशन ऑनलाइन यू मे रिसीव अ डैश इफ यू चेंज योर माइंड। You will receive a dash. Once you have received this, you should then upload copies of police and medical certificates if required. You should upload proof that you have applied for them. You receive a dash. Payment kidhar karni hai hum? Yeah. You should upload proof that you have applied for them. You should then pay your participant's fee by credit card. Your application will then be assessed. You can apply to withdraw at this stage and will be given to refund. Withdraw will be given to refund. If you don't do this within 50 days, if your application is successful, you will receive a letter of introduction. You can show to immigration when you enter Canada. आंसर क्या है हमारा, यू मे रिसीव अ रिफंड लेटर इफ यू चेंज योर माइंड। रिफंड हमारा आंसर क्या है, रिफंड। यहाँ से हमने इसका आंसर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। अच्छा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 to 27। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया है।